महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को जमकर इग्नोर किया जा रहा है। दबाव की राजनीति के बावजूद अखिलेश की पार्टी को महाराष्ट्र में एनडी गठबंधन के साथ ही तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार एमवीए गठबंधन का हिस्सा है। ये तीनों ही पार्टियां एनडी गठबंधन में भी भागीदार हैं, जिसका समाजवादी पार्टी भी हिस्सा है। फिर भी महाराष्ट्र के चुनाव में एमवीए दल सीट बंटवारे में समाजवादी पार्टी को इग्नोर कर रही है। इसको लेकर अब अखिलेश यादव के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। नहीं नहीं, त्याग राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में कुछ सीटें सपा के लिए चाहते हैं। हालांकि अभी तक महाविकास अघाड़ी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। अपनी इग्नोरेंस के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें गठबंधन में नहीं रखा जाता है तो हम जहां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़ेंगे। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में मुख्य रूप से कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है। तीनों ही दल 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने को सहमत हुए हैं। इधर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही थी, लेकिन सूत्रों की माने तो एसपी को 5 सीटें भी मिलती हैं तो वो गठबंधन में शामिल होने को तैयार है। और ये फॉर्मूला जमीन पर नहीं उतरा तो अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं, त्याग राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। उधर महाराष्ट्र में सीटों को लेकर मचे खींचतान पर एक ओर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जा रही है तो वहीं दूसरी ओर सीटों का लॉलीपॉप भी दे रही है। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर ये कहना है कि हम जहां पर जीत रहे हैं वहीं पर सीट मांग रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में एसपी के इग्नोरेंस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। अगर गठबंधन उनके साथ नहीं होता तो जाहिर है उनको ये आज़ादी हासिल होगी, वो अपने उम्मीदवार जहां चाहें वहां लड़ाएं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे मानना है कि अखिलेश यादव के साथ समझौता होना चाहिए, उनको एकोमोडेट करना चाहिए। वो जितनी सीटें मांग रहे हैं उसे ऊपर नीचे बात करके हम एकोमोडेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटें हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है सीट नहीं जीत का सवाल है, और जीत का सवाल इस बात पे भी निर्भर है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है, वो ये महसूस करे कि न्याय संगत त्याग किया गया है। अगर संगठन पार्टी बहुत मजबूत है जीतने की स्थिति में और ऐसे समय में हम त्याग कर देंगे तो उसका उल्टा भी रिएक्शन हो सकता है। इसलिए इंडिया अलायंस की गठबंधन की मजबूती के लिए और बेहतर भाजपा को बेहतर तरीके से हराने के लिए आवश्यक है कि उतना त्याग समाजवादी पार्टी को करने तैयार है जिससे कि उसका कार्यकर्ता इंडिया अलायंस के साथ खड़ा रहे, ठगा हुआ महसूस न करे। और बाकी जहां हम जीतने की स्थिति में हम वहीं दावा कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त हम ज्यादा कोई दावा नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश के बाहर कोई जनाधार या हैसियत नहीं है, ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, बल्कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बताया और हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने इनकी हैसियत को बताया था। अब महाराष्ट्र के चुनाव में उछल कूद मचा रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण का भी खेल खेल रहे हैं, और साथ ही साथ एक चीज उन्होंने जरूर स्वीकार कर ली कि उनकी नज़र में त्याग तपस्या का कोई अर्थ नहीं है, और सत्य भी है। जो लोग पिताजी के नाते से, परिवार के नाते से सत्ता कुर्सी पा चुके हों वो त्याग क्या जाने, संघर्ष क्या जाने। अब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की चिंता करिए, जहां समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है।
महाराष्ट्र में मची सियासी खींचतान के बीच अखिलेश यादव यूपी के उपचुनाव पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। इसके लिए उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी की हार तय है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। आपको नहीं पता, आप ही के बीच से एक कोई निकला था, एक की हत्या हो गई थी। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी किसी सीमा तक जा सकती है। बहरहाल, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो या यूपी का उपचुनाव, दोनों जगहों पर सियासी गहमा गहमी जारी है। पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अभी नतीजों में वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने देर से ही सही लेकिन कार्यकारिणी का गठन कर दिया, लेकिन इससे लेकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सफाई दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। सूची में युवाओं को तरजीह मिली है। उधर इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। नरेंद्र सलूजा ने आरोप लगाया कि काफी मान मनौवल के बाद ये सूची जारी हुई है, लेकिन सूची जारी होने के बाद घमासान होना तय है। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही नकुल नाथ को शामिल न करने पर सवाल उठाए हैं। सूची को देखकर ही समझा जा सकता है कि इसमें जीतू पटवारी की कलाकारी पूरी तरह से सामने आई है। कई लोगों को निपटा दिया गया है। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह समर्थकों की भरमार है। वहीं यदि बात करें तो कमलनाथ जी, अरुण यादव, अजय सिंह, उमंग सिंगार, कांतिलाल भूरिया जैसे लोगों के समर्थकों के नाम पूरी तरह से सूची से नदारद किए गए। जहां एक तरफ इस सूची में दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह का नाम है, कांतिलाल भूरिया और उनके पुत्र विक्रांत भूरिया का नाम है, अरुण यादव और उनके भाई सचिन यादव का नाम है, वहीं कमलनाथ जी से जीतू पटवारी ने बेर दिखाते हुए उनके पुत्र नकुल नाथ का 177 सदस्य सूची में भी नाम शामिल नहीं किया गया। बीजेपी के आरोपों पर जीतू पटवारी ने सफाई दी। नकुल नाथ को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर बताया, साथ ही कहा कि राजनीति में संतुलन जरूरी है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में राजनीति में संतुलन जरूरी है। यूथ की एनर्जी भी आवश्यक है और अनुभव का एक 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 तरह का सोच भी जरूरी होता है, तो दोनों को बैलेंस किया। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आलाकमान ने प्रदेश की कमान जीतू पटवारी को सौंपी थी। चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस के भीतर खाने से पटवारी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है। पटवारी के सामने पार्टी के अंदर के साथ ही पार्टी को मजबूत करने की चुनौती है। इन चुनौतियों से वो कैसे निपटते हैं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।